ऐसे ग्रीस वाला पानी ला, ऐसे करिया पानी ला किसे पीथा? ला नहीं पियन, वो मुड़ा वो बांधा के लाती थे। आ मतलब इहर अगर बढ़िया निकलती तो यहाँ के पानी ला पीता? हाँ यहाँ के लाती थे। तमनार ब्लॉक एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यह पैसा एक्ट के तहत आता है। तमनार ब्लॉक की ग्राम पंचायत पेलमा में पानी की बहुत समस्या है। कई वर्षों से इस गांव में लाल पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। गांव में पानी के बहुत प्रॉब्लम है। किसी प्रकार की? बोर के पानी एकदम पीला हो जाते हैं और बाल बच्चा कभी कभी दुख पड़ते रहते हैं। कभी सर्दी खांसी, कभी बुखार। तो हाँ देखे बार मिला थे कि पानी के बहुत समस्या होती। हाँ बहुत समस्या होती। अब का लाल पानी निकलते कौन दिन आहा ये कर पान रहा है कहीं खा रहा है। हाँ तो यह तो एकदम काला पानी दिखा थे। काला पानी है। हाँ काला है। और अभी ग्रीस भी निकला थे किसे? हाँ तो एक बार कोई करे कुछ शिकायत करे है? नहीं करे। जब से बोरिंग वोरिंग खुदाना शुरू हुआ है तब से, नहीं तो पहले अपने कुआं का पानी पी रहे थे सब। उस समय किस प्रकार का पानी निकलता? उस समय तो बढ़िया पानी था, कुआं का पानी साफ, अभी भी साफ पानी है। सर इसके बारे में आपने पीएचई विभाग या किसी अधिकारियों को सूचना दिया है? हाँ उसी मिस्त्री को भी बोले थे जो फिट करने आया था कि भाई पीने योग्य पानी नहीं है, इसको साफ करके दो बोले। तो नहीं अधिकारी को बात करके भेजूंगा बोले। हमको तो वही लगता है कि इसमें एसीसीएल का माने प्रकोप है अपने गांव में, और वो तो पूरा पुनर्वास में है एसीसीएल में, तो कहीं रोड का मांग कर रहे हैं, कुछ भी मांग कर रहे हैं, तो शासन द्वारा कोई प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है हमको। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इस गांव में मैं आता जाता रहता हूं तथा इन समस्या का सामना मुझे भी करना पड़ता है। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से निवेदन है कि वर्तमान पीएचई उप यांत्री श्री आर के टंडन को 75-66-70-52-16 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि ग्राम पंचायत पेलमा में पानी शोधक यंत्र लगाया जाए और उन्हें शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्थित किया जाए। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।